मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। पिछले 15 साल तो मैं इतने पंजाबी मां बोली का विषय पढ़ा रही हाँ। साडा इस पंजाबी सभ्याचार नूं संभालन दा मेन उपराला करन दा मकसद ये आ कि बच्चे जिहड़े कि पंजाबी सभ्याचार नूं भुलदे जा रहे आ, असी इस कमरे दे विच सारी ही हर एक पंजाबी सभ्याचार नाल संबंधित वनगी जिहड़ी आ उह लाई होई आ। इह सारे कुछ नाल जोड़न लई असी इह उपराला कीता है, पंजाबी प्रयोगशाला जिहड़ी असी बनाई आ ते बच्चिआं नूं असी इत्थे सद्दे आ, उन्हां नूं हर एक चीज़ तो पुराने तो जाणू करवाउणे तां कि बच्चे जिहड़े उह अपने सभ्याचार नूं भुल्लण ना, अपनी मात भाषा नूं ना भुल्लण। मेरा नाम निर्मल है, मैं स्कूल ऑफ एमएनएस हट का विद्यार्थी हाँ। तो इतने मैं बॉक्सिंग करता है, अंतर जिला पंजाब खेडा जो मेरा गोल्ड मैडल आया, तो हूँ मैं नैशनल खेड जा रहा हाँ पंजाब वालों। इस स्कूल सू सारी सहूलत मिलते हैं सारे प्लेयर को, हूँ मैं कोशिश करा कि मैं गोल्ड मैडल लेके आवा। मैं कहना हूं कोई सरकार गरीबी नहीं चक सकती, गरीबी दूर बिल्कुल हो सकती है जे गरीबों के बच्चों पढ़ा दोगे, क्वालिटी एजुकेशन दे दो, वो जेई क्लीयर कर, जेई ईटीटी क्लीयर करके वह टैट क्लीयर कर लैन, वह आईएएस के पेपर दे दें, डीसी बन, एसएसपी बन, वो गरीबी चक सकते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते, और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, सपने को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है, कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने।
और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सैन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी ट्वेंटीज में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का, तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है।